नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही गंभीर जानकारी लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 10 दिनों का समय 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जिन बातों को दोस्तों आप पिछले समय से ही अनजान हैं, उन बातों से आपको अवगत कराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके घर के ऊपर पहरा दे रही है यह एक देवी, जो कि दोस्तों आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मानते हैं। आपका ही श्रद्धा है जो कि यह देवी आपके घर की, आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। जी दोस्तों, और आने वाले 10 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में यह देवी के आशीर्वाद से जो चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों, यकीनन आपके होश तो उड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों लोगों में भी तहलका मचा देंगे। जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपको खींचातानी किया करते थे दोस्तों, उन लोगों में यश में तहलका मचने वाले हैं। कि दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाले 10 दिनों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा भाग्यशाली समय यह देवी लेकर आने वाले हैं। यश में दोस्तों आप सभी को बता दें कि लाभ के अत्यंत मौके आपके खुलने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में आपका काम रुका हुआ था दोस्तों, यश में वह काम बिन बुलाए ही आपके पास आएगा। अपॉर्चुनिटी आपको यश में बहुत ज्यादा मिलेगी। लाभ के मौके खुलने के साथ साथ लोग आपका मान सम्मान भी करेंगे। कि दोस्तों आपका नसीब का जो द्वार है यश में खुलने वाला है, और यदि भी आपको बहुत ही सहायता करेंगी हर कार्य को करने में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाली है। और दोस्तों आपका जीवन देखते ही देखते पूरी तरह बदल जाएगा। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय जो आप सावधानियां नहीं रखे थे, जो लोगों के कारण आप गड्ढे में गिर चुके थे दोस्तों, यश में वह गलतियां ना दोहराएं। इस वीडियो में हम सभी बातें आपको बताने वाले हैं कि कौन सी विशेष सावधानियां आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको रखना चाहिए, ताकि दोस्तों आपको दुश्मनों दैत्यों से बच पाए। सिर्फ दोस्तों इस विशेष सावधानियों को आपको सुनना है, और सुनने मात्र से ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा, सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 10 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति होगी, और यह देवी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी लाभकारी स्थितियां आपको मिलने वाली है, साथ ही कौन सी विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन के एक ऐसे आनंद के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे सीख के बारे में बात करेंगे, जिन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु आपको यह बातों को ध्यान से सुनना होगा। जी दोस्तों, हम कभी भी आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों। आपको आनंद आए, आपका मन प्रसन्न हो, आपको सुख शांति मिले, आपके अंदर की हृदय जो है वह प्रफुल्लित होते दोस्तों, ऐसे ही कुछ सीख हम आपके लिए हर वीडियो में लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा कीजिएगा। जी दोस्तों, और इस वीडियो में जो सीख हम आपको बताएंगे, इनसे आप जीवन के सबसे बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे। योग है तो जीवन में बहुत ही खुशियों का आप महसूस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इन बातों को आप गौर से सुने। उससे पहले दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियां प्रारंभ होंगी, सभी दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और साथ ही चैनल के ऊपर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन की सबसे अच्छी सीख के बारे में। इनसे दोस्तों आप जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों बातों को बहुत ज्यादा गौर सुने। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बहुत पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफे के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा या भूल मत करना,
सिकंदर ने कुएं की तरफ देखा, वह बड़े ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंख गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो ये अमृत पीने से मुझे कैसे रोक सकता है? तब कुएं ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी इसी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफे से बाहर वापस आ गया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या फिर समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों समय के साथ हम बूढ़े होते हैं और फिर अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीवन में जो भी परिस्थिति हो उनका भरपूर आनंद लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगी हो या जीवन की सीख आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों से ये साथ बात करते हैं कि यह देवी जो आपके घर के ऊपर पहरा दे रही है, आने वाले 10 दिनों के अंदर आप शुभ के जुन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करेंगे, आपके घर के माहौल में पार्वजन में जो भी ग्रहों की स्थिति होगी इनके अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में तरक्की के नए रास्ते खोलने में भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों अचानक ही किसी फेरी मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी कभी शक और क्रोध की वजह से बेवजह किसी के साथ मतभेद होने की आशंका भी लग रही है। दोस्तों यशमय अपनी जो है मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आ सकती है, इसे दोस्तों विद्यार्थीगण पढ़ाई में अपना ध्यान को केंद्रित करें, अतः यश में धैर्य बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकेलापन अभी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप गलतियां कर सकते हैं जिसका असर आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। दोस्तों बड़े निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में अपने कार्यों से संबंधित जो है नीतियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक सुधार लाने की प्रयास करें। दोस्तों आपको अवश्य सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और आसानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। आप जो है यश में अधिकतर काम घर में रहकर ही पूरा करें क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपका सामाजिक कार्य में विशेष सहयोग भी रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या फिर दिए गए दान पुण्य की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों काम से संबंधित बातों में बेवजह तकलीफों का सामना भी आपको यश में थोड़ा सा करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कार्यों पर आप जो अपना ध्यान केंद्रित रखें तथा अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संबंध खराब न होने दें। दोस्तों यश में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। युवाओं की अपनी दोस्ती में ईगो की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए दोस्तों यश में अपने व्यवहार को आप सीमित बनाकर रखें, ये आपकी दोस्ती के लिए और आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बदहजमी और गैस जैसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। गरिष्ठ व फिर मसालेदार भोजन का सेवन न करें, सुपाच्य खान पान ही रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।